अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था SRTF यानी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जो उसको हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का प्रीएम्प्टिव मेथड भी कह सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जिसको हम LRTF भी कहते हैं, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट का प्रीएम्प्टिव मेथड भी कहते हैं। और हम देखेंगे कि LJF और LRTF में क्या फ़र्क होता है। ये हमारे पास सामने सवाल गिवन है, हम इसको टेबल को फिल करेंगे अपने गैंट चार्ट की मदद से, और फिर हम इसकी ये फॉर्मूलाज देखेंगे और फॉर्मूलाज से हम ये कैलकुलेशंस करेंगे, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पांस टाइम, थ्रूपुट वगैरह। तो LRTF प्रीएम्प्टिव मेथड है लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट का। तो इसका मतलब है हमें जो है इसमें एक एक बॉक्सेस के बाद, यानी एक एक मिली सेकेंड के बाद, एक एक प्रोसेस के टाइम के बाद हमें चेक करना पड़ेगा क्यू में कि हमारा कोई ऐसा प्रोसेस आया है। और आपको याद होगा लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट में ये होता था कि जो सबसे ज़्यादा बर्स्ट टाइम वाला प्रोसेस होता था वो पहले चलता था। तो अब LRTF में थोड़ा सा आपका गैंट चार्ट बड़ा बनता है, बिकॉज इसमें जो है जब आप एक प्रोसेस को चलाते हैं, फॉर एग्जांपल P1 को मैंने चलाऊंगा तो वो 9 से फिर उसका बर्स्ट टाइम 8 हो जाएगा। प्रीएम्प्टिव है तो वो एक दफ़ा में एक वक्त पे एक मिली सेकेंड चलता है, तो 9 से वो फिर 8 हो जाएगा। जब वो 8 होगा तो 8 और 8 P5 और P1 दोनों सेम हो जाएंगे, तो मैं इसमें से फिर एक कोई बिगेस्ट वाला जब चलाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला उससे ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि वो जब चलेगा तो उसका बस टाइम 7 हो जाएगा और अगले वाले का 8 होगा। तो ऐसे हमारा CPU जो है बार बार स्विच होता रहेगा, तो हमारा गैंट चार्ट इसमें थोड़ा बड़ा बनता है। और अराइवल टाइम हमने फिलहाल अभी इस पार्ट 1 में 0 लिया है, पार्ट 2 में हम इसके अराइवल टाइम डिफरेंट रख के देखेंगे। तो सवाल शुरू करते हैं। तो उस गैंट चार्ट में सबसे पहले मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले बड़ी वैल्यू दिख रही है P1, जो कि है बस टाइम 9। तो सबसे पहले मैं इसको चला दूंगा 0 से 1 तक P1। अब आपको मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा जो मैंने आपको बताई थी कि जब भी प्रीएम्प्टिव वाले सवाल होते हैं, जैसे कि राउंड रोबिन वगैरह में, मैंने आपको शायद बताया था कि आप जो है बर्स्ट टाइम याद रखने के लिए ऊपर प्लस करके लिख लिया करें। लेकिन लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है बर्स्ट टाइम जो रिमेनिंग रह जाते हैं ना वाले प्रोसेस के, वो लिखा करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर P1 को चलाया है 1 मिली सेकेंड, तो अब यानी उसका बर्स्ट टाइम 9-1 हो गया है, जो कि हो गया है 8। तो यहाँ पर लिख लें 8, कि इससे आपको कंपेयर करने में आसानी होगी। अब आप जब अगला प्रोसेस चलाने वाले होंगे तो अब आप यहाँ से इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि बाकी प्रोसेसेस और इस प्रोसेस के दरमियान सबसे बड़ा बर्स्ट टाइम किसका है, तो मैं उसको अगला चलाऊंगा। तो आपको इसमें जो है ना बर्स्ट टाइम याद रखने के अपने दिमाग में ना आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप जो है कैलकुलेट करो कि पहले किसका बर्स्ट टाइम कितना था, फिर अब माइनस होने के बाद कितना हो गया। तो उसमें थोड़ी सी ना कभी कभार बंदा मिस्टेक कर देता है। तो आप इस तरह बस टाइम ऊपर लिख के रखेंगे, आप हो सके तो पेपर में भी लिख लें, पेंसिल से लिख लें, बाद में मिटा लीजिएगा, या फिर अगर आपको रफा कलाव है तो आप इसको लिख कर भी रख लें, तो आप मेंशन कर दें कि आपने क्यों लिखा है। इसी के साथ अब मैं अगला जो बस टाइम आप देख सकते हैं कि P1 का भी 8 है और अब P5 का भी 8 है। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, या तो अब आप जो है इसको CPU को स्विच करा दें P5 पे, या फिर P1 को ही कंटिन्यू करके लेके चलें। आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी ये होती है कि मैं जो पहले चला रहा था मैं उसी को आगे लेके चलूँ, ताकि मुझे वापसी आना नहीं पड़े उसके ऊपर, फिर हम आगे स्विच कर जाएं। तो मैं P1 को ही यहाँ पर 1 मिली सेकेंड और चला दूंगा, उसका बस टाइम अब हो जाएगा 7। अब चूंकि उसका बस टाइम 7 हो चुका है, तो उससे बड़ा प्रोसेस मेरे पास P5 मौजूद है, तो मैं अब CPU को स्विच करा के P5 पे ले जाऊंगा और 2 से 3 तक उसको चला के उसका भी बस टाइम 7 हो जाएगा। तो ये इसके जैसे बार बार स्विच होता है, तो हमारा जो है लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में गैंट चार्ट बहुत बड़ा बनता है। अब हमारा P5 और P1 दोनों का 7 है, तो मैं दोनों में से किसी को भी चला सकता हूँ। तो मैंने P5 को ही चलाना है, बिकॉज मैं पहले उसको चला रहा था, तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा और अब इसका बस टाइम 6 हो जाएगा। अब मैं जाके P1 को चला सकता हूँ, अब इसका बस टाइम हो जाएगा 6 और ये 4 से चलेगा 5 तक। अब अगला मेरे पास प्रोसेस 6-6 का 2 ही हैं, तो अभी भी मैं इन दोनों में से किसी को भी चला सकता हूँ, तो मैं P1 को ही कंटिन्यू करूँगा, उसका बस टाइम 5 रह जाएगा और ये 5 से 6 तक चलेगा, फिर 7, फिर 8। और अब मेरे पास जो है P1 के बाद P5 का 6 ग्रेटेस्ट है, तो P5 चला के मैं इसका भी बस टाइम 5 कर दूंगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि P1 का भी बस टाइम 5 हो गया है, P5 का भी 5 हो गया, और मेरे पास एक प्रोसेस क्यू में मौजूद है जो कि P4 है, उसका भी 5 है।
तो अब आप यहाँ पर कुछ भी चला दें, आप P4 को चला दें स्विच करके, P1 को चला दें या P5 को चला दें, सबसे मैनरेबल जो सिचुएशंस होती हैं वो दो ही रहती हैं, या तो अब आप अगर राउंड रोबिन की तरह स्विच कर रहे हैं तो अब आगे वाले पे स्विच करें, जैसे P5 के आगे कोई प्रोसेस नहीं है तो घूम के P1 से शुरू करें, तो घूम के P1 को वापस चला दें, या फिर उसी को कंटिन्यू करें। तो मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा, P5 को ही कंटिन्यू करके अब मैं इसका बस टाइम कर दूँगा 4। अब मैं दूसरे वाले 5 को चला सकता हूँ जो कि मेरे पास है P5 के बाद। अब आप मेरे पास जो सीक्वेंस में चलूँगा तो P1 आएगा तो वो 8 से चलेगा 9 तक, तो उसका भी बस टाइम अब हो जाएगा 4। अब जाके मैं P4 को चला सकता हूँ जिसका हो जाएगा 9 से 10 तक, और इसका भी बस टाइम मेरे पास हो जाएगा 4। अब मैं अगला जो प्रोसेस है, मैं इन चारों, अब मेरे पास पहले दो दो स्विच हो रहे थे, अब मेरे पास 3 हो गए हैं, तो अब मैं जो है P4 को ही वापस कंटिन्यू कराऊंगा, उसका बस टाइम 3 हो जाएगा और मैं यहाँ पर ये 11 तक चलेगा, फिर 12 तक। P4 के बाद यहाँ पे P5 को चला दूंगा, उसका भी बस टाइम 3 हो जाएगा, और उसके बाद मेरे पास आएगा P1, तो P1 को भी मैं यहाँ पर जो है चला दूंगा, और P1 का मेरे पास हो जाएगा 3। मैंने यहाँ पर कौन सी एडिटिंग कर दी कि इसको मैं मिटा देता हूँ, और P1 को जो है यहाँ पर मैं चलाऊँगा 12 से 13 तक, और फिर जो है मैं इसको 14, 15, 16 पहले से लिख देता हूँ। अब मेरे पास P1 का भी 3 है, P5 का भी 3 है, P4 का भी 3 है, और P2 और P3 का भी 3 है, सारे प्रोसेसेस के अब मेरे बस टाइम 3 हो गए हैं। तो अब मैं जिस जो चला रहा था उससे कंटिन्यू करता हूँ और सारे सीक्वेंस में लेके चलता हूँ जब तक पूरे प्रोसेस के बस टाइम ख़त्म नहीं हो जाते, यानी P1 फिर P2 फिर P3 और नीचे चलूँ तो फिर P4 और फिर P5, इस तरह चलाऊँगा मैं सीक्वेंस में। इसको भी मैं पहले से लिख देता हूँ 17 फिर 18 फिर 19 फिर 20। तो अब मेरे पास जो बस टाइम रिमेनिंग रह जाएंगे, इसका भी 2 रह जाएगा, 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 इसका भी 2 रह जाएगा। अब P5 को चला रहा था तो P5 को ही कंटिन्यू लेके चलें, फिर P1 से वापसी स्टार्ट कर दें। अब P5 का 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, और P2 का, P3 का, फिर P4 का, तो ये सब का बस टाइम अब मेरे पास 1 रिमेनिंग रह जाएगा। और मैं नीचे यहाँ पर भी लिख देता हूँ ये 20 से 21 तक, फिर 22 तक, फिर 23 तक, फिर 24 तक। अब मैं P4 को चला रहा था तो P4 को ही मैं कंटिन्यू लेके चलूँगा, और इसका बस टाइम मेरे पास 0 हो जाएगा, इसके बस टाइम सारे कंप्लीट हो चुका है। फिर मेरे पास आएगा P5, P1, P2, P3, और इन सब का मेरे पास अब हो जाएगा बस टाइम 0, यानी अब ये आगे फर्दर जो है एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, इनका सबका बस टाइम कम्प्लीट हो गया, ये प्रोसेस कम्प्लीट होके एग्जिट हो गए। और टोटल जो हमारा जो बस टाइम आया है वो 28 आया है, जो कि हम तीनों को प्लस करके जो है पहले एक दफ़ा मेक श्योर कर लेते हैं, 9 + 6 15 20 28 जी। तो बस टाइम हमारा यहाँ पे टोटल 28 था और ये 28 पे कंप्लीट हो गया है। तो इसी को देखते हुए अब हम हमारा टेबल फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास P1 लिखा हुआ है, तो P1 आप यहाँ पर ढूंढें कि P1 कहाँ पे कंप्लीट हुआ था, सबसे आखिरी वाला P1 ये रहा, 26 पे P1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, तो मैं 26 लिख देता हूँ कंप्लीशन टाइम में। कंप्लीशन टाइम वो होता है जब आपका प्रोसेस पूरी तरीके से एग्जीक्यूट होके एग्जिट हो गया था, तो P1 जो है एग्जीक्यूट होके एग्जिट हो गया था 26 पे, P2 हो गया था 27 पे, P3 हो गया था 28 पे, और P4 हमारा हुआ था 24 पे, और P5 हुआ था 25 पे। तो आप देख सकते हैं सबका कंप्लीशन टाइम कितना ज़्यादा आया है, क्योंकि ये LRTF है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, बड़े वाले को पहले चलाना होता है, तो ये सारे जो है प्रीम्प्टिव वाले में, प्रीम्प्शन में लग जाते हैं सारे, तो एक के बाद एक वापस एक की बारी आती रहती है, तो ये ऐसे करके जो है ना इनका कंप्लीशन टाइम बढ़ता रहता है, सबको बार बार मौका मिलता है, तो इसमें स्टारवेशन भी इतना नहीं होता है। होता है सारे प्रोसेस बहुत देर देर में कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन स्टारवेशन तो वो होता है कि बहुत एक प्रोसेस को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था अपनी बारी के लिए, लेकिन यहाँ पर तो है सबको बारी मौका मिल रहा है, बस ये है कि उनका काम थोड़ा देर से ख़त्म हो रहा है, लेकिन मौका सबको मिल रहा है। तो टर्न अराउंड टाइम, उसके बाद जो है हमारे पास दो टर्न अराउंड टाइम निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तो
टर्न अराउंड टाइम का हमारे पास फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर देना है, तो अराइवल टाइम सबका जीरो है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है वो सबको जीरो में से जब माइनस करेंगे तो वो ऑलरेडी कंप्लीशन टाइम के इक्वल आएगा, तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ। उसके बाद वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम आपका वो टाइम होता है जब आपके प्रोसेस ने कितना वेट किया था अपनी बारी के लिए, तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस कर देना, तो टर्न अराउंड टाइम में से यानी 26 में से मैंने माइनस करना है 9 को, तो मेरे पास वेटिंग टाइम आ गया 26। मैंने क्या कर दिया, ये मैंने शायद गलत माइनस कर दिया, इसको माइनस करना है, ये आ गया 17। यानी आपके प्रोसेस को 17 दफ़ा वेट करना पड़ा था 17 मिली सेकेंड, जो बीच बीच में जो आपके वेटिंग आ रहे थे ना हर प्रोसेस के स्विच होने के, ये वो वेटिंग टाइम सबका आपस में कैलकुलेट हुआ। अगर आप गैंट चार्ट से ऐसे कैलकुलेट करेंगे ना गिनेंगे तो ये 17 ही आएगा। तो इसके बाद हम फर्दर आगे कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ ताकि ये ऑटोमेटिक मुझे फॉर्मूले से आंसर दे देगा। तो ये सबका वेटिंग टाइम आपको ये देख सकते हैं बता दिया इसने, इसका 24 आया है, इसका 23.5 आया है, इसका 19 आया है, इसका 17 आया है। रिस्पॉन्स टाइम, तो रिस्पॉन्स टाइम निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट सीपीयू टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो मैंने आपको ये पहले वीडियोस में भी बताया है कि आपके प्रोसेस को जब पहली दफ़ा जो सीपीयू मिला था ना उसमें से आपने अराइवल टाइम को माइनस कर दो तो वह आपको रिस्पॉन्स टाइम मिल जाता है। तो सबसे पहली दफ़ा आपको P1 को जो है सबसे पहली दफ़ा सीपीयू मिला था जीरो पे और अराइवल टाइम भी जीरो है, तो इसका आंसर ऑटोमेटिक जीरो आएगा। P2 को सबसे पहले प्रोसेस कहाँ मिला था, सीपीयू कहाँ मिला था, तो P2 को सबसे पहले यहाँ मिला था, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो P2 को सबसे पहले यहाँ पर मिला था, तो P2 का जो हमारे पास होगा 14 होगा, ठीक है। और इसके साथ P3 को सबसे पहले यहाँ हमारा जो CPU मिला था वो मिला था इधर 15 पे। इसी के साथ P4 को सबसे पहले हमारा जो CPU मिला था वो P4 को मिला था ये रहा, P4 को मिला था 9 पे। और फिर हमारे पास है P5 और P5 को तो हमारे यहाँ पे शुरू में मिला था 2 पे। तो ये हमारा रिस्पॉन्स टाइम आ गया है। अब हम फॉर्मूला की मदद से हमारी कैलकुलेशंस करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम, जो उसका फॉर्मूला होता है सारे टर्न अराउंड टाइम को आपस में ऐड करके टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देना है। तो सारे हमारे पास टर्न अराउंड टाइम में देख लेता हूँ, 26, 27, 28, 25, 24, तो यानी ये सीक्वेंस में है 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 28, और ये डिवाइड कर देना है हमने टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, तो ये आ गया 26 हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम आया है। और इसी के साथ हम इसी के जैसे वेटिंग टाइम निकालेंगे जो है 17, 24, 25, 17, 19 और इसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, तो एवरेज वेट जो है आपके हर प्रोसेस का आया है 20.4। अब एवरेज रिस्पांस टाइम भी इसी तरह निकलेगा, सारे रिस्पांस टाइम को ऐड कर देना है, 14, 15, 9, 2 और एक तो जीरो था तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो ये आ गया हमारे पास एक हर प्रोसेस का एवरेज जो रिस्पांस टाइम रहा है वो रहा है 8। अब हमने यूनिट अब कभी तो इस्तेमाल नहीं किया है, वैसे ज़्यादातर सवालों में मिली सेकेंड यूज़ होता है। तो थ्रूपुट आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ बस टाइम को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से। तो टोटल बस टाइम हम एंड के कम्प्लीशन टाइम से भी देख सकते हैं, जिसको हम मैक्स कम्प्लीशन टाइम कहते हैं, वो हमारा है 28 और 28 को डिवाइड कर देना है 5 से, इक्वल नहीं लगाया, 28 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास आ गया 5.6 आ गया इस सवाल का थ्रूपुट। CPU यूटिलाइजेशन, कि आपके CPU ने कितना काम किया है इस सवाल में, इस एल्गोरिथम में, इस पूरे प्रोसेस के दरमियान जब ये पूरे सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे थे आपके CPU ने कितना टाइम वेस्ट किया है और कितना टाइम काम किया है, ये हम निकालते हैं CPU यूटिलाइजेशन, जिसे हम एफिशिएंसी भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है मैक्स कंप्लीशन टाइम, यानी जो कि 28 था उसमें से ओवरहेड को माइनस कर देना है। ओवरहेड मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया है,
ओवरहेड वो टाइम होता है जब आपका सीपीयू कोई काम नहीं कर रहा होता, वो आइडल स्टेट में होता है, उसके पास कोई प्रोसेस नहीं होता एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन इस सवाल में हमारे पास कुछ ऐसा गैंट चार्ट में बीच में गैप नहीं आया था जहाँ पे हमारे सीपीयू के पास कोई काम ना हो, कोई प्रोसेस ना हो, वो आइडल बैठा हुआ हो। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो हम इसको ज़ीरो रखते हैं और डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि ये हमारे को परसेंटेज में आंसर दे। और मैंने इस पर इक्वल नहीं लगाया है इसलिए इसने ऐसे की ऐसे लिख दिया है। इक्वल लगा के ये देखें 100%, यानी हमारे सीपीयू ने 100% काम किया है, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है। इनएफिशिएंसी इसका उलट होता है, जितनी आपकी एफिशिएंसी आती है उसको 100 में से जब माइनस करेंगे तो आपकी जितना बचेगा वो जाहिर सी बात है इनएफिशिएंसी होगी कि आपके सीपीयू ने कितना टाइम वेस्ट किया है। उसका निकालने का फॉर्मूला होता है ओवरहेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोसेस जो कि 5 हैं डिवाइडेड बाय मैक्स कंप्लीशन और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आप देख सकते हैं ज़ीरो आ गया है कि हमारे जो सीपीयू है उसने 0% टाइम वेस्ट किया है। और टाइम वेस्टेड भी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो नंबर में बताता है कि कितना टाइम वेस्ट किया है मिली सेकेंड में, वो होता है नंबर ऑफ प्रोसेसेस मल्टीप्लाई बाय ओवरहेड जो कि ज़ीरो था, तो वो ऑलरेडी ज़ीरो ही आंसर आएगा और कोई टाइम आपके प्रोसेस ने आपके सीपीयू ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। तो ये सारी कैलकुलेशंस आ गई हैं, उम्मीद करता हूँ आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा LRTF। अब हम इसका जो है हमारे रह गया है हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट, वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो मैं आपको एक दफ़ा इस सवाल का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये हमारा सवाल था जिसका हमने ये टेबल बनाया है गैंट चार्ट की मदद से, ये हमारा इतना बड़ा गैंट चार्ट बना था। और अभी तो हमारे जो बर्स्ट टाइम है वो सिंगल डिजिट में, अगर ये डबल ट्रिपल डिजिट में होते तो ये तो गैंट चार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा बन सकता था। तो इसी के साथ हमारा फॉर्मूला जिसकी मदद से हमने कैलकुलेशंस किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।